In lieu of the Municipal Corporation of Delhi workers' strike over the non-payment of dues, the Aam Aadmi Party volunteers and Delhi Jal Board chairman Kapil Mishra took to the streets of Delhi to clean the garbage on Sunday. Kapil Mishra alleged that this whole protest was triggered by Bharatiya Janata Party, who wanted to malign AAP's image but had failed spectacularly. He added that since the PWD had started the cleaning process, BJP's hope of tarnishing the Delhi government's image had failed completely. अब तो कर्मचारियों को भी पता लग चुका है और जनता को भी पता लग चुका है कि कहां पर गड़बड़ हुई है. भाजपा ने भी इस बारे में अब बोलना बंद कर दिया. उनके मेयर ने भी मान लिया कि कितना पैसा दिया गया था. अब ये है कि भाजपा भी कोई अपनी इज्जत बचाने का रास्ता ढूंढ रही है और ये सुनने में आ रहा है कि आज रात को या कल वो चुपके से कर्मचारियों की सैलरी भी दे देगी. ये जो उनकी साजिश थी ये फेल हो गई. भाजपा की ताकत कूड़े में छुपी हुई थी. जैसे राक्षस की ताकत तोते में छुपी होती है, ऐसी भाजपा की ताकत कूड़े में छुपी थी. वो कूड़ा पीडब्ल्यूडी ने कल पूरे दिन पूरी रात काम किया. आज आप देख रहे हो कोई बड़ा कूड़े का ढेर कहीं सड़कों पे नहीं लगा हुआ है. तो भाजपा की ताकत खत्म हो गई और अभी हड़ताल भी खत्म हो जाएगी. आप वॉलंटियर्स वर सीन क्लियरिंग द गार्बेज इन खजूरी एरिया ऑफ दिल्ली एज एमसीडी वर्कर्स स्ट्राइक एंटर्ड इट्स फिफ्थ डे टुडे. कॉरेस्पॉन्डेंट सोनू फ्रॉम न्यू दिल्ली.